सुप्रीम कोर्ट ने सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी है। शनिवार रात सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर 7 दिन का स्टे देते हुए तीस्ता सीतलवाड़ को यह राहत दी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस बीआर गवई ने सवाल किया कि तीस्ता को अगर और 8 दिनों की जमानत मिल गई तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने गुजारिश की थी कि कोर्ट आदेश पर स्टे लगाने के बजाय तीस्ता को सरेंडर के लिए थोड़ा अधिक वक्त दे सकती है। जस्टिस गवई ने कहा कि कोर्ट उन्हें अंतरिम जमानत दे रही है, साथ ही हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा रही है। तीस्ता सीतलवाड़ पर साल 2002 के गुजरात के दंगों से जुड़े मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए फर्जी सबूत पेश करने का आरोप है। हाईकोर्ट ने शनिवार को दिन में तीस्ता की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें तुरंत सरेंडर करने को कहा था। इसके बाद तीस्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच की बात की जाए, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पी के मिश्रा ने सुनवाई की, लेकिन अंतरिम जमानत देने के मुद्दे पर जजों में मतभेद हो गया। इसके बाद केस सीजेआई को भेज दिया गया। चीफ जस्टिस के निर्देश पर 3 जजों की बेंच का गठन किया गया, जिसने रात करीब 10 बजे हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाते हुए तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले की टाइमलाइन क्या है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल शनिवार को दोपहर करीब 1:30 बजे गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत रद्द करते हुए उन्हें फौरन सरेंडर करने का आदेश सुनाया। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ तीस्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां पहले 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की, लेकिन दोनों जजों के एकमत ना होने की वजह से मामला चीफ जस्टिस के पास चला गया। इसके बाद चीफ जस्टिस ने 3 जजों की बेंच का गठन किया, जिसने रात 9:15 बजे सुनवाई शुरू की और रात करीब 9:54 पर फैसला दिया, जिस पर हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाया गया, साथ ही तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत दी गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।